और वहीं आपको बता दें कि 20 मार्च के बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। 20 मार्च के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। 70,000 से अधिक दर्शक समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दर्जनों वीवीआईपी और वीआईपी भी शामिल होंगे। जिला प्रशासन नियुक्ति विभाग ने तैयारियां तेज की हैं। तो एनडीए इस बार 275 सीटें लाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। ऐतिहासिक जीत को बरकरार रखने के लिए ऐतिहासिक भव्य तैयारियां भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए बताई जा रही हैं, जहां पर 70,000 लोग शामिल होंगे। वीवीआईपी से लेकर वीआईपी तमाम वो बड़े चेहरे, पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, सभी बड़े चेहरे आपको दिखेंगे। विधायक, उसके बाद आपको मंत्रियों के भी शपथ ग्रहण, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण समारोह करेंगे, जिसमें 70,000 लोग शामिल होंगे। जिला प्रशासन और नियुक्ति विभाग ने फिलहाल तैयारियां तेज कर ली हैं, लेकिन अभी भी 20 तारीख को तो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके पहले होली के रंग में आप सबको रंगते हुए नजर आएंगे, देखते हुए नजर आएंगे। और साथ ही उसके बाद आपको बता दें कि अभी स्थान कहाँ पे है, कहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है, वो अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए, जिला प्रशासन और नियुक्ति विभाग तैयारियों में तो जुट गई है, भव्य तैयारियां की जा रही है शपथ समारोह की, लेकिन कहाँ पर होगा, किस प्रकार होगा, इसकी कोई जानकारी? देखिए, ये दो चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि इकाना स्टेडियम में, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा, भव्य समारोह होगा और काफी संख्या में लोग बुलाए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे राज्यों के लोग हैं, जो प्रमुख नेता हैं, मुख्यमंत्री है, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा, ये स्पष्ट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 20 तारीख के बाद किसी भी दिन विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकेगी और उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन्वाइट किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, तो ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय से जो उपयुक्त समय मिलेगा उस दिन ही शपथ ग्रहण होगा, ये बात भी देखने वाली बात है। 20 तारीख के बाद पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये लखनऊ पहुंचेंगे, विधायक दल की बैठक होगी। तो कम से कम ये स्पष्ट है 20 और 21 के बाद किसी भी दिन शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ में। और अभिषेक, ये 2017, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए, ये 2017 से 2022 के शपथ को आप एकदम अलग देखेंगे, क्योंकि इस बार अलग ही जीत हासिल करके बीजेपी ने सरकार बनाई है।